दोस्तों एक ऐसी जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूं, शायद ही आपको कहीं इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। यह जानकारी इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS भर्ती को लेकर है। लाखों कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया, सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा, सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आ रहा है। फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है सभी 23 सर्किल की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या हाल हुआ है, बड़ा अपडेट है आपके लिए। सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बस लास्ट तक वीडियो जरूर देख लीजिए, कहीं ना कहीं मजा आ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे अभ्यर्थियों से मेरा कहना है, अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके एक महत्वपूर्ण कार्य जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस, यह कर लोगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण और सटीक जानकारियां उपलब्ध होंगी। बात कर रहा हूं दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS भर्ती 2023 की। टोटल वैकेंसी है 40,889 सभी 23 सर्किल ऑल इंडिया में। ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा, साइकिल 5 की भर्ती है। नेक्स्ट दोस्तों इसका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट में पहली लिस्ट आ चुकी है, पहली लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है 40,057 स्टूडेंट्स का। कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है पहली लिस्ट में, सभी 23 सर्किल का मैंने आंकड़ा बता दिया है, 40,057 स्टूडेंट्स का पहली लिस्ट में नाम आया है, आगे ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम वैकेंसी से अनुमान लगाए तो केवल वैकेंसी कितनी है 40,889, इनमें से आप माइनस कर लीजिए 40,057, फिर भी आपके 832 सीट रिक्त रह गई है अभी भी, ठीक है, यानी कि जितनी वैकेंसी थी उतने कैंडिडेट्स को सिलेक्शन नहीं लिया है। नेक्स्ट दोस्तों ये तो हो गए चलो 40,057 स्टूडेंट पास पहली लिस्ट में। नेक्स्ट फर्स्ट लिस्ट में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जिसका सिलेक्शन हुआ है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था आपका 11 से और 21 मार्च तक है। 21 मार्च तक जो भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन वाला, उसको एक्स्ट्रा 5 दिन का समय दिया जा रहा है, अभी भी वो समय चल रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा 5 दिन का समय 22 से और 26 तक है। लेकिन दोस्तों कोई मतलब का नहीं है, एक्स्ट्रा समय देने से कोई फायदा नहीं हुआ है। जो ओरिजिनल स्टूडेंट था जिसने मेहनत से 10वीं में परसेंटेज बनाए थे, वह इन दिनों ही चला गया 11 से और 21 मार्च, और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वास्तव में दोस्तों एक महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस GDS भर्ती के बारे में, आपको थोड़ा बारीकी में जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। DV करवाने मात्र 5,000 प्लस स्टूडेंट ही गए हैं। आप कहोगे सर क्या कह रहे हो, सिलेक्शन तो 40,057 का हुआ है। नहीं दोस्तों, सिलेक्शन लेना इजी है, लिस्ट में नाम कोई भी अभ्यर्थी लिखवा सकता है, आपने भी गलती कर दी। आपको अगर लिस्ट में नाम लिखवाना ही था पहली लिस्ट में तो अपनी परसेंटेज गलत डाल देते, जैसे कि आपने आपकी 80% है, 80 को अगर आप 100% डाल देते तो आपका भी इस लिस्ट में नाम आ जाता। उसी प्रकार स्टूडेंट्स ने अपनी ओरिजिनल परसेंटेज को छिपा करके नकली परसेंटेज यानी कि बढ़ा करके अपनी परसेंटेज डाल ली है, पहली लिस्ट में उनका नाम तो आ गया है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि इस बार ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई थी, डीजी लॉकर के माध्यम से आपकी मार्कशीट की जांच हुई थी, जिस बोर्ड से आपने 10th पास आउट किया है उस बोर्ड में वह 10th क्लास की मार्कशीट ऑनलाइन है या नहीं है, यह सब जांच की गई। और आपको मालूम भी होना चाहिए कि बड़ी खबर आई थी अखबार में, मैंने आपको बताया भी था कि फर्जी कैंडिडेट पकड़े भी गए हैं, साइबर कैफे के जाल में आ चुके थे, यानी कि गलत उन्होंने बढ़ा करके अपनी परसेंटेज डाल दी थी। तो इस चीज को देखते हुए दोस्तों हम पूरा आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं कि आप घबराए नहीं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे सर वैकेंसी 40,889 है, 40,057 स्टूडेंट तो पास हो गए हैं, अब वैकेंसी कहां है, अब सेकंड लिस्ट में किसका नंबर नहीं आएगा, आपका ही नंबर आएगा, बस सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों 5,000 का जो आंकड़ा है ना ये रियल है, इनमें से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो DV में फेल हो गए, वो इसलिए हुए, होने को तो वो ओरिजिनल थे, उन्होंने परसेंटेज वर्सेंटेज नहीं बढ़ाई लेकिन फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिनकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। कौन सी गलती,
आपको मैं बताऊं कि अपनी 10th क्लास की जो सब्जेक्ट है ना वो गलत डाल दी, इनका रॉन्ग इंफॉर्मेशन उन्होंने डाल दिया था फॉर्म अप्लाई करते समय, उस वजह से उनको सीधा डीबी में बाहर कर दिया गया। इन सब कारणों की वजह से आंकड़ा यही रह जाता है। अब सवाल सबसे बड़ा यही पैदा होगा, कहां गए 35,000 प्लस स्टूडेंट। मैंने अभी बताया था ना कि 35,000 प्लस का जो आंकड़ा है सब फर्जी है, फर्जी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम लिस्ट में तो नाम लिखवा सकते हैं लेकिन डीबी में कहीं ना कहीं पैसे देने की सोचते हैं कि वहां पैसे दे देंगे और नौकरी ले लेंगे। ये कतई गलत है दोस्तों, इस भ्रष्टाचार को हमें खत्म करना है, कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े के खिलाफ हमें आना है, नहीं तो हमने जो मेहनत से परसेंटेज बनाई वो किसी काम की नहीं रहेगी। हर कोई पैसा देकर नौकरी ले लेगा, फिर क्या मतलब होगा आपकी मेहनत की हुई पढ़ाई का। तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं, सेकंड वेटिंग लिस्ट का बड़ा इंतजार कर रहे हैं, हजारों कैंडिडेट्स बार बार मैसेज करते रहते हैं, बार बार फोन भी कर रहे हैं, सर बताइए ना सेकंड लिस्ट कब तक जारी होगी, कितने कैंडिडेट्स पास होंगे, कितना कट ऑफ रहेगा। तो दोस्तों आपकी जो सेकंड लिस्ट है अप्रैल के फर्स्ट वीक में 100% आ जाएगी, एंड घबराए नहीं आप, बिल्कुल 25,000 प्लस स्टूडेंट्स का नाम आने वाला है, आपका भी आ सकता है। एंड दोस्तों इन 25,000 प्लस में से बहुत सारे अभ्यर्थी फेक होंगे, अभी तो आपकी धीरे धीरे वेटिंग लिस्ट के जरिए छटनी होगी और अंतिम जब आपकी लिस्ट आएगी ना उसमें मात्र डाउन कट ऑफ गिरेगी, जो ओरिजिनल कैंडिडेट है जिसने ओरिजिनल कहीं ना कहीं फॉर्म अप्लाई किया है उसका लास्ट की वेटिंग लिस्ट में नंबर अवश्य आएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि जो भी अभ्यर्थी बिना मतलब टेंशन कर रहा है बिल्कुल भी टेंशन ना कीजिएगा, बार बार अभी से क्लासेस से अपडेट लेते रहिएगा, यहां पर जो भी अपडेट दी जाती है कहीं ना कहीं पॉइंट टू पॉइंट ऑफिशियल ही होती है, यहां पर अफवाहों का कोई काम नहीं है। जो भी मैंने ये जानकारी दी है बड़े एक्सपीरियंस के साथ दी है, आप एग्री हो या नहीं हो बता देना, क्योंकि आप जानते नहीं हो पहली बार जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है, आप थोड़े दिन बाद जान जाओगे कि जीडीएस की भर्ती की चयन प्रक्रिया आखिर कैसे होती है। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बार बार डिप्रेशन में आ रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, कट ऑफ की मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आप चाहोगे तो कि कितना कट ऑफ रहेगा सेकंड वेटिंग लिस्ट में, उसके लिए कमेंट करना होगा, लाइक का बटन दबाना होगा, शेयर करना होगा, जितने कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स में आकर लिखेंगे कि सर सेकंड वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ बता दीजिए, तो मैं सभी 23 सर्किल का कैटेगरी वाइज आपको एक सटीक माध्यम से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। इंतजार रहेगा आपके मैसेज का, जरूर कीजिएगा अगर आपको कट ऑफ जाननी है तो। बाकी बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, पल पल की यहां पर अपडेट दी जाती है महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।